कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। जिस कोई ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको रेफरेंस ही नहीं कर रहा, उसका यूज ही नहीं कर रहा, तो गार्बेज हो गया ना, फालतू में मेमोरी एलोकेट करके वहां पे रखा हुआ आपने। तो गार्बेज कलेक्शन क्या है? आपने ये पढ़ा है तो पहले भी? पहले तो मैंने सारा कुछ पढ़ाया था, मैं तो रिवाइज ही करा रहा हूँ, बाकी चीज आपको ध्यान नहीं आई ना, क्योंकि उस दिन मुझे लगता ध्यान नहीं दिया लोगों ने। ठीक है, नहीं सर, ध्यान में तो आया सर कि सब ये सब पहले भी पढ़ा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक है और इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ जी सर। गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस है ऑफ रिक्लेमिंग द रन टाइम अनयूज्ड मेमोरी। अनयूज्ड मेमोरी जो है रन टाइम पे, उसको रिक्लेम करता है ऑटोमेटिकली, या दूसरे वे में कह सकते हो कि इट इज अ वे टू डिस्ट्रॉय द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स। अनयूज्ड मेमोरी जो भी एक डेटा टाइप हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, अगर अनयूज्ड है वो, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए गार्बेज कलेक्शन का यूज होता है। हम सर जैसे C++ में वो फेच, हाँ वही लिख रहे हैं ना, हम फ्री फंक्शन यूज करते थे सी में, ठीक है, बट हम C++ में यूज करते थे डिलीट, लेकिन जावा में क्या करता है, जावा ऑटोमेटिकली करता है। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो बेटर बनी है, अपने आप जावा बहुत कुछ खुद करता है। ठीक है, JVM सर मैं एक पूछना चाह रहा था कि कैच जो हम एक्सेप्शंस वगैरह कैच करते थे, उस सिमिलर है क्या गार्बेज? नहीं नहीं एक्सेप्शन तो अलग चीज है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक अलग हो गई। हाँ, ये है कि मेमोरी को बचाने के लिए, मेमोरी को सही तरीके से यूज हो उसके लिए यूज होता है। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। एडवांटेज है कि मेमोरी एफिशिएंट जावा जो है, जावा को मेमोरी एफिशिएंट बना देता है, और ये जावा में ऑटोमेटिकली होता है, आपको करने की जरूरत नहीं, JVM ये ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, अब गार्बेज कलेक्शन कैसे, हाउ कैन ऑब्जेक्ट बी अनरेफरेंस्ड, मतलब जो रेफरेंसिंग या मेमोरी एलोकेट कर रखी है उसको आप मेमोरी कैसे अनरेफरेंस करोगे, या तो नल कर देंगे रेफरेंस को, या बाय असाइनिंग अ रेफरेंस टू अनदर, एक के रेफरेंस को दूसरे में हम रेफर कर देंगे, या एनोनिमस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो डिटेल में करना पड़ेगा आपको प्रोग्राम के थ्रू, समझने के लिए कैसे काम कर रहा है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे फाइनलाइज मैथड, एक ही है, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफ में। फाइनलाइज मैथड जो है वो इनवोक यानी कॉल होता है हर बार बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टर। जब ऑब्जेक्ट को अनरेफरेंस किया जाता है, जब मेमोरी को क्लियर करते हैं, उससे पहले फाइनलाइज मेथड कॉल होगा, जितने बार होगा वो उतने बार कॉल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, गार्बेज अगर ऑटोमेटिकली क्लियर करता है तो फिर ये खुद ही फाइनलाइज मेथड भी इन्वोक करता होगा। हाँ ठीक, लेकिन अगर आप इसमें डिफाइन भी कर सकते हो, उसको डिफाइन करने के लिए क्या है, वही एक्सेस स्पेसिफायर दोगे, डेटा टाइप, फिर फाइनलाइज कीवर्ड लगाओगे। ठीक है, उसमें से नोट में ना, गार्बेज कलेक्टर ऑफ JVM कलेक्ट्स ओनली दोज ऑब्जेक्ट दैट आर क्रिएटेड बाय न्यू कीवर्ड। जब न्यू कीवर्ड लगा के आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, उस टाइम ही ये कलेक्ट करता है। सो इफ यू हैव क्रिएटेड एनी ऑब्जेक्ट विदाउट न्यू, यू कैन यूज फाइनलाइज मेथड। ऐसा मैं, आप अगर आपने बिना न्यू कीवर्ड का यूज किए, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को बनाया है, उस केस में आपको फाइनलाइज मेथड यूज करना ही पड़ेगा, क्लीनिंग करना है तो, वरना ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है।